खबर शुरू करते हैं। झालावाड़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नाकाबंदी के दौरान कार से 74 लाख रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी। दांगीपुरा रोड पर कार्रवाई की गई। पुलिस कर रही कार सवार लोगों से पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और झालावाड़ पुलिस ने कार से 74 लाख रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी है। दांगीपुरा रोड पर कार्रवाई की गई। मेरे सहयोगी आरिफ जुड़ गए। आरिफ, जरा बताइए कौन है ये लोग और पैसों के बारे में कोई जानकारी दे पाए, कहां से लिया, कहां देने वाले थे? देखिए विजेंद्र, झालावाड़ के दांगीपुरा थाना क्षेत्र है, मनोर थाना सीमा बॉर्डर पर, यहाँ पे एक कार सवार 74 लाख रुपए लेकर जा रहा था। नाकाबंदी के दौरान इस कार सवार को पकड़ा है और पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। 74 लाख रुपए मिलने के बाद संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस से लगातार पूछताछ है। पुलिस ने आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया है। अब जो पुलिस सारे मामले को खुलासा भी तो पूरा नहीं किया है, कहां से कार सवार था। बताया जा रहा था कि जो कार सवार है बता रहा है कि मैं बैंक से पैसे लेकर आया था, लेकिन पुलिस की बात संतुष्ट नहीं हुई। लगातार पूछताछ कर रही है कि पैसे कहां से लाया था, डिटेल पुलिस दिन नहीं दे पाया। पुलिस ने इस बारे मामले को लेकर इसे सख्ती से पूछताछ कर ली। जल्दी इसकी आयकर विभाग को भी सूचनी है। जो पैसे है 74 लाख रुपए उसको जब्त करने की कार्रवाई भी कर रही है। अगर ये थोड़ी कुछ देर में संतोषजनक जवाब नहीं देता तो पुलिस की जो रुपए है 74 लाख रुपए जब्त कर लेगी। आरिफ शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।